जब हम गूगल पर सर्च करते हैं कि गोरा करने वाली सबसे बेस्ट स्किन वाइटनिंग क्रीम कौन सी है, तो उनमें से दोस्तों एक क्रीम निकल कर आती है मेलामेंट क्रीम। तो आज इस वीडियो में हम मेलामेंट क्रीम के बारे में ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में यूजेस, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स से लेकर आपको ये कैसे यूज़ करनी है, और क्या अगर इसके कोई साइड इफेक्ट हैं तो हमें ये क्यों यूज़ नहीं करनी। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। दोस्तों मेरा यूट्यूब पे एक और चैनल है जिस पे मैं अपनी फेस कैम वीडियो बनाता हूँ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड, प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस मेलामेंट क्रीम के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट्स डले हैं वो हैं दोस्तों हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनियोन और मोमोटासोन फ्यूरेट। ये दोस्तों हाइड्रोक्विनोन होता है, ये एक प्रकार का स्टेरॉयड होता है। ये तो दोस्तों इसके बारे में हो गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि इनका यूज़ हमें किस प्रकार के फेशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्रीम दावा करती हैं कि ये हमारे फेस को जल्दी से जल्दी गोरा बना देंगी। तो दोस्तों ये स्टेरॉयड क्रीम है तो ऑब्वियसली बात है कि दोस्तों ये हमारे फेस को जल्दी से जल्दी गोरा भी बना देंगी। तो दोस्तों बहुत से लोग जब ये गूगल पर सर्च करते हैं या फिर कोई अन्य स्किन वाइटनिंग क्रीम देखते हैं कि कोई हमें जल्दी से गोरा करने वाली क्रीम बताइए, तो दोस्तों ज़्यादातर गूगल पर या फिर यूट्यूब पर यही वीडियो निकल कर आती हैं, एक तो स्किन लाइट क्रीम के बारे में, स्किन शाइन, स्किन ब्राइट, मेलामेंट क्रीम, क्लोबजी क्रीम, इस प्रकार की क्रीमें काफ़ी निकल कर आती हैं। तो दोस्तों उन्हीं में से ये मेलामेंट क्रीम है, और तो दोस्तों इसके हमारे फेस पर जल्दी से जल्दी रिजल्ट तो देखने को मिल जाते हैं इस वाली क्रीम के भी, और इसी तरीके की जितनी भी स्किन वाइटनिंग क्रीम है जिनमें स्टेरॉयड डाला होता है जैसे कि हाइड्रोक्विनोन। तो दोस्तों ये हमारे फेस को जल्दी से जल्दी गोरा भी बना देती हैं। बट दोस्तों काफ़ी लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि वो इनके बारे में सही जानकारी नहीं रख पाते, और दोस्तों जब वो यूज़ करते हैं तो उनके चेहरे पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ध्यान से सुनना और देखना, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल जाए कि आपको कैसे यूज़ करनी है, कितने दिनों तक यूज़ करनी है, ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूं कि अगर आप ये क्रीम यूज़ कर रहे हो या फिर यूज़ करने की सोच रहे हो तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों पहली सावधानी कि अगर आप इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो धूप में तो एक दो बिल्कुल भी ना जाएं। दूसरी सावधानी कि जब आप इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाना जरूर, यानी कि आप अपने फेस को वॉश करने के बाद में ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आप अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो आपके फेस पर स्किन पीलिंग की प्रॉब्लम और आपके चेहरे पर ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि दोस्तों बाद में आपके चेहरे पर काले काले से दाग धब्बे छोड़ जाएगी और आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम कर देगी। आपको ये क्रीम ओनली रात में ही यूज़ करनी है, आप इस क्रीम का बिल्कुल भी दिन में यूज़ नहीं कर सकते, और इस क्रीम को लगाकर बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाएं। अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो गंदगी आपके फेस पर जमा होगी और सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल किरणें हैं वो आपके फेस को बर्न करेंगी, जिससे कि आपके फेस पर सनटैन की प्रॉब्लम हो जाएगी, और सनटैन की प्रॉब्लम होने से जो आपकी बॉडी का कलर है उससे ज़्यादा आपके फेस का कलर डार्क हो जाएगा, यानी कि आपके फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो थी दोस्तों कुछ सावधानियाँ। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये ओनली कितने दिनों तक ही यूज़ करनी है। तो दोस्तों अगर आप इस क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो इस क्रीम का यूज़ आप एक महीने से ज़्यादा ना करें। अगर आप एक महीने से ज़्यादा इसका यूज़ करते रहेंगे तो दोस्तों जैसे हम कोई स्टेरॉयड वाली दवाइयाँ खाते हैं तो उनकी हमारे बॉडी पर आदत हो जाती है, और ये आदत जब हम छुड़ाएंगे तो हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करेगी, जिससे कि हमारी बॉडी पर और हमारे फेस पर साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ही दोस्तों स्किन वाइटनिंग क्रीम के कारण हमारे बॉडी पर, हमारे फेस पर देखने को हमें मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको ये क्रीम का यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर आपके फेस पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस क्रीम का बिल्कुल भी यूज़ ना करना, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो एक भी प्रकार के ऐसे नहीं है जो कि हमारे फेस एक्ने पिम्पल्स को दूर करने में मदद करे। अगर आपके चेहरे पर एक्ने पिम्पल्स हो रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोई क्लिंडामाइसिन फास्फेट जेल वाला यूज़ करें, जिससे कि आपका ये जो एक्ने पिम्पल्स है वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि क्लिंडामाइसिन फास्फेट जेल है वो फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में आपकी मदद करता दोस्तों है। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या हम कोई स्टेरॉयड क्रीम के साथ कोई अन्य स्टेरॉयड क्रीम मिक्स करके लगा सकते हैं या फिर कोई अन्य फेयरनेस क्रीम लगा सकते हैं, एक बार में दो दो क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। तो भाई लोगों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार में एक ही क्रीम का यूज़ करें। अगर आप दोस्तों एक
बार में अगर मेलामेंट क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो इसी का ही यूज़ करते रहें ओनली एक महीने तक। अगर आप कोई और स्टेरॉयड क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसको ही यूज़ करें, यानी कि एक साथ दो दो तीन तीन क्रीम अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पर साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम तो होगी ही। तो दोस्तों अगर आप कोई इनका यूज़ करने का बिल्कुल प्रॉपर तरीका पता है तभी आप इनका यूज़ करना, अदरवाइज़ दोस्तों आपके चेहरे पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये क्रीम परचेस करनी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस क्रीम को ईजिली ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपको हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।